सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसी द वे ऑफ सक्सेस में। आप सभी फ्यूचर सोल्जर्स को, फ्यूचर ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, मिशन एनसीसी आप लोगों के लिए 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स लेकर आया है, ठीक है। इसका जो बैच है भाई, वो 8 जून 2020 से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो बैच टाइमिंग है वो डेली रात को 8 बजे। इसका बैच टाइमिंग जो है इवनिंग 8 PM को इसकी रेगुलर बैचेस होती है, लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं। उसमें इस बैच में आप बहुत सारे बच्चे आप आते हो भाई, ये डेली आते हो, लेकिन जो भी कैडेट हमारे इस चैनल के ऊपर पहली बार आया है, जो भी नया है, तो वो भाई चैनल को एक बार इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप सभी कैडेट्स को शेयर करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं कि ये 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स में आप सभी कैडेट्स को क्या मिल रहा है। तो देखिएगा, मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो एनसीसी का एग्ज़ाम होता है, 2017 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में, 20 में, ठीक है, इन एग्ज़ाम में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट में 5 या 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस कोर्स में मिलेंगे। क्लियर है? वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। अब बहुत देखिएगा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है भाई, वो सबसे अलग है। मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। तो मैं सभी को बता दूँ कि मैं इस कोर्स में आप लोगों को सिर्फ मैं एक क्वेश्चन किस तरह से होते हैं उसकी आइडेंटिटी आप लोगों को करके दे रहा हूँ, ठीक है। एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, आप लोगों को उसका आंसर कैसे लिखना है, उन क्वेश्चन की का जो, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सिर्फ क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ठीक है, उनको पता नहीं कि एनसीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, क्या डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, ठीक है। वो सब कुछ चीज़ें मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई एग्ज़ाम कैसे होता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, अगर भाई किसी को भी बहुत ज़्यादा जल्दी होना, बहुत सर जल्दी स्टार्ट करो, ऐसे बच्चे होते हैं कुछ, तो भाई वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक वर्दी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस वर्दी को पाने के लिए बहुत बच्चों का ड्रीम है, हर किसी को लगता है कि ये वर्दी मुझे मिलनी चाहिए, हर किसी का एक ड्रीम है इस वर्दी को पाना। तो मैं आप सभी को बता दूं भाई, अगर आप एनसीसी कैडेट हो तो 100% इस वर्दी को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, दूसरी चीज़ चाहिए भाई आपके पास रनिंग। अगर दो चीज़ें आपके पास होती है तो बिल्कुल आप इस वर्दी को पा सकते हो, ठीक है। जो भी कैडेट सोच रहा है कि सर इस वर्दी को पाना बहुत मुश्किल है, टफ काम है, 200-200 बच्चे छोड़ते हैं रैली में, हम कैसे क्लियर कर पाएंगे रनिंग, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट मत रखिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करिएगा। चलिए अब बता दूं कि मैं आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल रनिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल आज से नहीं तो कल से बिल्कुल स्टार्ट कीजिएगा। सुबह 5 बजे उठिएगा और रेगुलर रनिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, आपका जो एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट का जो प्रिपरेशन है भाई, उसका जो पूरा मटेरियल है मैं आप लोगों को देता रहूँगा। उसके लिए मैं क्लासेस लाऊंगा, लेक्चर्स लाऊंगा, मॉक टेस्टेस लाऊंगा, क्विजेस लाऊंगा, सब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों का एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम मैं क्लियर करके दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मेरे साथ बन के रहना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं जो सिर्फ देखिए, मेरा काम है भाई आप लोगों को रास्ता दिखाना, आपका काम है उस रास्ते पर चलना, ठीक है। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है। अगर मेरे रास्ते पर अगर आप एक दिन चल के अगर आप फिर पीछे लौट जाते हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। मान लीजिएगा अगर आपने एक वीडियो देखा उसके बाद, ठीक है, चैनल पे विजिट नहीं कर रहे हो तो कोई उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे साथ बने रहिए, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए
अब बिल्कुल इस वर्दी में देखिए, ये वर्दी में मैं ना मैं हर किसी कैडेट को देखना चाहता हूँ, सभी कैडेट्स को मैं इस वर्दी में देखना चाहता हूँ, चाहे भाई आप एनसीसी के बी में हो, सी में हो, या किसी में भी हो, हर किसी कैडेट्स को मैं देखना चाहता हूँ। अगर मान लो अगर भाई आप गर्ल्स कैडेट हो या बॉयज़ कैडेट हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं हर किसी को इस वर्दी में देखना चाहता हूँ। अगर गर्ल्स कैडेट हो तो बिल्कुल कोई गर्ल्स भी कोई बॉयज से कम नहीं, और बॉयज भी गर्ल्स से कोई कम नहीं, दोनों इक्वल है, सभी लोग बिल्कुल इस वर्दी को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल तैयार हो जाओ भाई, आज से इस वर्दी को हमें प्राप्त करना है, ठीक है? आने वाले 1 और 2 साल में इस वर्दी को हम प्राप्त करके रहेंगे, बिल्कुल, ठीक है? ये ठान लो बिल्कुल अपने मन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, मैंने नेम प्लेट नहीं लगाई हुई है, क्योंकि इसमें जो नेम प्लेट है भाई, ये आप लोगों का नेम लगेगा यहाँ पे, एक दिन आप लोगों का ये नेम है ना यहाँ पे लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी आप मेरे क्लासेस में को देखोगे तो एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, और जब भी इस क्लासेस को देखोगे तो आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा जिसके लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। 2 मिनट के अंदर आप सभी को उन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और इसका आंसर सभी को देना है, ऐसा नहीं कि कुछ गिने चुने बच्चे ही दे, ठीक है? देखिएगा आज की जो हमारी है वो 21वां डे है, डे 21, 21वां डे है, इस बात को भी सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है? 21वां डे है। अगर इससे पहले कि अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, मिशन एनसीसी यूट्यूब चैनल पे, उसमें एक प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे, ठीक है? वहाँ पे एक 60 डेज एनसीसी मास्टर कोर इस तरह से एक प्लेलिस्ट होगी, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और बाकी सभी वीडियोज देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए सभी लोग तैयार हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी लोग पूरा लाइक कर दो एक बार सभी लोग, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अच्छे और सफल लीडर की विशेषताएं क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, हर साल आपके एनसी के बी का हो या सी का हो या ए का एग्जाम हो, यार हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है? देखिए 10 मार्क का क्वेश्चन है, देखिए 10 मार्क का भाई, 1 मार्क 2 मार्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छे और सफल लीडर की विशेषताएं क्या है? जो भी आपका राइट आंसर है, ठीक है, आप अपने नोटबुक में उसका आंसर लिखिए। चलो योर टाइम स्टार्ट Now। ओके टाइम अप, ओके टाइम देंगे सभी, ओके देखिएगा जिन्होंने इसका आंसर दिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने अपने नोटबुक में लिखा है, अगर जिन्होंने नहीं लिखा है ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए आप देख सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है? इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में, बिल्कुल यही क्वेश्चन है भाई, पूछेगा ही पूछेगा। चलिए तो अच्छे लीडर, अच्छे और सफल लीडर की विशेषता क्या है? तो भाई उसमें सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, उसमें अनुशासन डिसिप्लिन होना चाहिए, निस्वार्थता,
होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए, निपक्षता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, इक्वालिटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई वो अगर वो लीडर हो तो इसको वो कम सज़ा दे रहा हो, उसको कम सज़ा दे रहा हो, इसको अच्छा बोल रहा हो, उसको अच्छा बोल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल समझना चाहिए उसने। मान लीजिएगा अगर आप एक लीडर हो भाई, ठीक है, या आप एक लीडर हो तो ठीक है, अगर कि ऐसा नहीं कि आप किसी कैडेट को आप अच्छा हो बोलो या किसी दूसरे को अगर अच्छा हो बोलो, ऐसा नहीं। सभी को समान है, समानता के हिसाब से आपको लेना है। विश्वसनीय, आप विश्वसनीयता ये आपके अंदर होना चाहिए, हमेशा सहकारिता सहकारिता होना चाहिए, और ये सम्मान भाव, हमेशा आप लोगों का सम्मान करते रहे। ये सब कुछ चीज़ें हैं ना, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पूरा समझाऊंगा। इसके लिए एक या दो घंटे की क्लास लगती है। ठीक है, आगे चल के हमारा एक बहुत बड़ा कोर्स आने वाला है जिसमें हम सब कुछ चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप इसको जो है अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, और ये सभी क्वेश्चंस को और इसके आंसर को रीड करते रहिएगा, रोज रोज इसको आंसर को रीड करते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अब मैं छुट्टी लेना चाहूँगा भाई आप लोगों से, आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।